एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जो भी पर्सन है आपके, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल होगा। ये एक जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप चाहे किसी भी जेंडर से बिलोंग करें, किसी भी कल्चर से बिलोंग करें, एज से बिलोंग करें, ये सबके लिए है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि पेड पर्सनल रीडिंग्स की अपॉइंटमेंट बुकिंग्स ओपन हो चुकी है, 2 डेज़ के लिए ओपन रहेंगी और लिमिटेड स्लॉट्स हैं। सो अगर आप पेड रीडिंग्स करवाना चाहते हो तो आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एक सीट अभी भी खाली है। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, सीखना चाहते हो ऑनलाइन, तो डेफिनेटली आप रीच आउट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स रेमेडीज के लिए आप डेफिनेटली गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर एक बार चेक कर लें। और मेरा नंबर भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ओके, आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 8 ऑफ स्टोन्स, वी हैव नाइट ऑफ एरोज, वी हैव पेज ऑफ एरोज, we have 2 of vessels and we have 5 of vessels, and what on the deck say we have queen of stones। so dekh lete hain ki aapke person ki current feelings aapke liye kya hai, let's see। all right, सो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऑफ़र करने के लिए। अब ये चीज़ कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, प्रपोजल रिंग हो सकता है, या कुछ आपके लिए नोट लिख रहे हो, कुछ मैसेज लिख रहे हो, आपके लिए लेटर लिख रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है घर खरीद रहे हो नया, या फिर कहीं शिफ्ट हो रहे हो आपके ज़्यादा करीब आने के लिए, या फिर कुछ तो कर रहे हैं फिज़िकली ताकि वो आप तक पहुँच सके, या फिर आपको इम्प्रेस कर सके, या फिर आपको फील करवा सके कि दे लव यू। तो कुछ यहाँ पर वो कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं अपने हाथों से, या फिर कुछ आपके लिए परचेस कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, या फिर आप दोनों के फ्यूचर के लिए किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो नया घर, नई गाड़ी, दूसरे आपके सिटी में सेटल होना, या फिर ट्रैवल करना, आपके टूर्स, ठीक है, टिकट्स वगैरह बुक करना, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। कुछ प्लानिंग, कोई मेजर ट्रिप, ठीक है, आप दोनों का साथ में कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन कुछ तो कर रहे हैं ताकि वो आप दोनों के कनेक्शन को आगे बढ़ा सके, आपको टाइम दे सके, एंड आपको फील करवा सके कि वो आपको लेकर सीरियस है एंड वो आपको लेकर सच में सोचते हैं और वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, उनका फोकस आपके तरफ है। ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स देखना, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे बार बार जाना, बार बार चेक करना कि आपके स्टेटस क्या है, आपने क्या अपलोड किया है, क्या नहीं किया है, आपकी फॉलोइंग कितनी है, लाइक्स, कमेंट्स, सब कुछ। ओके, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अब आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान ध्यान ज़रूर दे रहे हैं कि आपका कैसा चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान आपको लेकर भी अपने प्लानिंग्स किए जा रहे हैं एंड उसको लेकर ये इंसान जो है एफ़र्ट डालने, मतलब बहुत तेज़ी से एफ़र्ट डालना चाहते हैं, बहुत जल्द एफ़र्ट डालना चाहते हैं और ऑलमोस्ट ये डाल रहे हैं, मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है। तो आपकी रियूनियन भी हो सकता है कि हुई है, या फिर इस पर्सन ने आपको बोला है ट्रिप वगैरह के लिए, या फिर कोई सीरियस लाइफ डिस्कशन हो सकता है आप दोनों की रिसेंटली हुई है।
ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, अगर आपका सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो ये इंसान बोलेंगे आपको, ठीक है, कि ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यू नो, घर बसाना चाहते हैं या फिर कुछ सीरियस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि इनको इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए। करेंटली ये महसूस कर रहे हैं कि इन्हें आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, इन्हें आपका आपका साथ चाहिए, और ये आपके साथ रहकर ही लाइफ में और भी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं या फिर अच्छा हैप्पीनेस के साथ यू नो लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। सो आपके पर्सन, आपके रिश्ते में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स है, आपके रिश्ते में जो भी दुख है, आपके रिश्ते में जो भी अनस्टेबिलिटी है, उसको ये इंसान हटाकर दृढ़ रहना चाहते हैं आप दोनों के प्यार को लेकर, यानी कि दृढ़ मतलब एक जगह पे यू नो कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, रुके रहना चाहते हैं कि भले कुछ काम करे ना करे, लेकिन हम दोनों का प्यार जो है वो हम दोनों को आगे बढ़ाए और हम दोनों के लाइफ को आगे बढ़ाए, ठीक है, उस चीज़ में रुकावट ना आए। सो जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थी, नाराज़गी थी, वो ये पर्सन हटाना चाह रहे हैं, एंड यू नो यूनियन चाह रहे हैं करेंटली आपके पर्सन आपके साथ, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आपके साथ, एंड यू नो उसके लिए ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद ये चाह रहे हैं कि मैं ही सब कर लूँगा या मैं सब कर लूँगी, मैं रिश्ते को ठीक कर लूँगा या मैं रिश्ते को बना लूँगी या बना लूँगा, ऐसे वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। You have integrity. Virtue. So देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पर्सन जो है करेंटली आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में इनको एक रियलाइजेशन भी हो रहा है कि हमें खुद से भी बहुत कुछ इस रिश्ते को यू नो फिर से बनाना है, फाउंडेशन बनाना है, ये सुंदरता बढ़ानी है इस रिश्ते की। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में ऑनेस्टी है आपको लेकर करंटली, ठीक है, और वो अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो ना प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने हर एक एक्शन के साथ। मतलब अभी जो कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, आपको स्टॉक करना हो, आपके बारे में सोचना हो, आपके लिए कोई चीज़ करना हो, ये सारी चीज़ें इनके दिल से आ रही है। ऐसा नहीं है कि यू नो ये बेनिफिट के लिए या यू नो बस शो ऑफ करने के लिए कर रहे होंगे, नहीं, जो भी कर रहे हैं ये दिल से कर रहे हैं, और इसी एफर्ट की वजह से यू नो आप दोनों के बीच में प्यार मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके। और आपके जो पर्सन है मुझे लगता है बहुत हद तक यू नो स्पिरिचुअली आपको फील कर पा रहे हैं, यानी कि सोल टू सोल फील कर पा रहे हैं आपको, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या फिर लाइफ में कुछ करना है अचीव, तो वो आपके साथ ही करना है, ठीक है, आपके आपके साथ रिलेशनशिप में रहकर, मैरिज में रहकर ही करना है। तो एक कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आपके पर्सन आपके साथ फील कर पा रहे हैं, ठीक है, एक बॉन्ड फील कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको यू नो दिक्कत नहीं हो रही है आपको समझने में या फिर यू नो महसूस करने में। और विकास देखते हैं। We have broken hearts number 9. Then we have happy family number 4. और भी देखते हैं क्या है। Then we have anxiety number 18. Bottom of the deck say we have फोर शक्रा खेंजुल राफेल नंबर 38। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, इन यंग की भी एनर्जीज़ हैं, ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ठीक है, इनकी हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस्ड है पूरी तरीके से, दिल का दरवाज़ा इनका खुल चुका है, कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, तो प्यार की भावना इनके मन में करेंटली बहुत ज़्यादा जाग चुकी है, और अब इनको ना चिंता हो रही है कि कैसे करके अब यू नो ये हैप्पी फैमिली क्रिएट करें, हैप्पीनेस क्रिएट करें आप दोनों में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान रियूनियन चाहते हैं, अगर आप दोनों बिछड़ चुके हो, दूर हो चुके हो तो, ठीक है, इस इंसान को महसूस हो रहा है, ठीक है, आपके रिश्ते की इंपॉर्टेंस, तो उसी वजह से ये इंसान मुझे लग रहा है थोड़े से एंशियस भी हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी हैप्पीनेस क्रिएट करना है, मुझे जल्दी यूनियन चाहिए, मुझे जल्दी इस पर्सन का साथ अटेंशन चाहिए, ठीक है, तो एक तड़प मुझे नज़र आ रही है कि जल्दी जल्दी आपको आपके पर्सन को ये रिश्ता ठीक करना है, या फिर अगर आपका रिश्ता शुरू नहीं हुआ है तो ये शुरू करना चाहते हैं आपके साथ ही, ठीक है, तो एक सीरियसनेस और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी एंड यू नो एक ज़िद मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से कि ये इंसान आपको चाह रहे हैं, एंड ये इंसान आपके साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ ही यू नो अपने हैप्पीनेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं।
देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कार्ड्स के थ्रू, चैनल मैसेज देखेंगे। ओके सो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आपको आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको महसूस कर पा रहे हैं, आपके बातों को समझ पा रहे हैं। और अगर आप कोई उन्हें मैसेज देना चाह रहे हो या फिर यू नो कोई कुछ उन्हें महसूस करवाना चाह रहे थे, बहुत ट्राई कर रहे थे, वाइब्रेशंस भेज रहे थे, तो वो उन सारी चीज़ों को यू नो रिसीव कर पा रहे हैं। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साइड को समझ चुके हैं, आपके पर्सपेक्टिव को समझ चुके हैं, और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप इस रिश्ते में विश्वास करें। कहीं ना कहीं वो मेहनत कर रहे हैं एंड वो आगे भी करेंगे ताकि आपका रिश्ता जो है अटूट बने। ठीक है, और दूसरा मैसेज देख लेते हैं। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यू नो आप उन्हें माफ़ कर दें जो भी चीज़ें हुई। ठीक है, जो भी अगर प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम हुई, इश्यूज आए, उन सारी चीज़ों को आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। और आप इस चीज़ को समझो कि अगर वो यू नो ये प्रॉब्लम्स अगर नहीं आती, अगर ये पर्सन दूर नहीं होते, तो उनको महसूस कभी हो ही नहीं पाता कि आप दोनों का कितना गहरा प्यार है या फिर आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जो बेवजह के स्ट्रेस है, इशू है, और यू नो नेगेटिविटी है, उसे आप हटा दीजिए, फ्लो लाइए। और ये आपको अश्योर करना चाहते हैं कि ये एफर्ट डेफिनेटली डालेंगे, बस ये चाहते हैं कि ये जब एफर्ट डालें तो आप उस एफर्ट्स को यू नो एक्सेप्ट करो। ठीक है, उसमें भी आप जुड़ जाओ, उसमें भी आप इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि इनको विश्वास है कि अभी अगर हम दोनों फ्लो लाने की कोशिश करते हैं तो रिश्ता ज़रूर आगे बढ़ेगा और खुशी खुशी से बढ़ेगा। ओके सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।